कहते हैं मुनियों वही भगवान समय समय पर अवतार लेकर के विविध लीलाएं करते हैं। ऐसे तो भगवान के अवतार भी अनंत है, क्योंकि भगवान का सब कुछ अनंत है तो अवतार भी अनंत, एक एक अवतार अनंत है। रामावतार कई बार भगवान का हुआ, बोले अनंत बार। कृष्णावतार भगवान का कई बार हुआ, बोले अनंत बार। क्यों? बोले हर कल्प में भगवान का अवतार होता है, हर कल्प के द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार। तो कितने कल्प बीत गए? बोले ये सृष्टि अनादिकाल से, अनंत काल से, इसका कोई पता ही नहीं है कब से सृष्टि। जब ये सृष्टि नहीं थी उसके पहले, बोले उसके पहले प्रलय हुआ। जब प्रलय हुआ उसके पहले, बोले उसके पहले जो सृष्टि थी उसी का प्रलय हुआ था। बोले वो सृष्टि जब हुई थी उसके पहले, बोले उसके पहले भी प्रलय था, तो फिर उसके पहले भी कोई सृष्टि थी। बोले कब से है? बोले पता ही नहीं, अनादि। तो अनादि काल से अनंत अनंत, ये अनंत के आगे हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है, क्या बोले, यही कहना पड़ेगा अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। अनंत अनंत कल्प बीत गए, अनंत अनंत ब्रह्मा पैदा हुए, अनंत अनंत ब्रह्मा ने अनंत अनंत बार सृष्टि की, और उन अनंत अनंत सृष्टियों के अनंत अनंत कल्पों में अनंत अनंत बार हो चुका है और अभी अनंत बार होता रहेगा। तो भगवान के एक एक अवतार भी अनंत है, एक दो बार नहीं। और भगवान की तो बात छोड़ो, भगवान तो अनंत ही है। अरे हम आप यहां बैठे हैं, हमारा आपका कितना जन्म हुआ किसी को पता है? अनंत बार। क्यों? बोले जैसे आज जन्म हुआ है, इसके पहले भी जन्म हुआ होगा, और जब जन्म हुआ होगा तो मरे रहे होंगे, फिर कहीं पैदा हुए, फिर जन्म लिए, फिर पैदा हुए। बोले कब से चल रहा है? बोले जब से ये सृष्टि है अनंत काल से, तब से ऐसे ही संसार में हम आप भी पैदा हो रहे, मर रहे। अब मुक्त हो जाए तो अलग बात है, फिर झंझट खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जन्म कर्म अनंत जन्मों से चल रहा है। तो जब हमारा आपका अनंत बार अवतार हो गया इस दुनिया में, पता ही नहीं है कितने बार पैदा हुए होंगे इस दुनिया में हम आप, तो भगवान की तो बात ही क्या है। तो भगवान के अवतार अनंत हैं, लेकिन उन अवतारों में जो प्रमुख अवतार हैं, उन अवतारों की चर्चा यहां पर वेदव्यास जी करते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं भगवान का प्रथम अवतार सनकादिकों के रूप में हुआ। ये प्रथम द्वितीय तृतीय जो क्रम बता रहे हैं, यह क्रम भी केवल समझने के लिए, यह बहुत तर्कसंगत क्रम भी नहीं। क्यों? बोले भगवान के अवतार में क्रम का निर्धारण भी करना बड़ा कठिन है। कौन अवतार पहले हुआ, कौन बाद में हुआ? बोले सभी अवतार पहले हुए और सभी अवतार बाद में हुए। कैसे? बोले रामावतार त्रेता युग में हुआ और फिर द्वापर में कृष्णावतार हुआ। तो पहले कौन? बोले पहले रामावतार, फिर कृष्णावतार। एक व्यक्ति ने कहा नहीं, कृष्णा अवतार पहले हुआ। बोले क्यों? बोले त्रेता में जब रामा अवतार हुआ था, उसके पहले कल्प में जब द्वापर था तब कृष्णा अवतार हुआ था, तो कृष्णा अवतार तो पहले हुआ। बोले तो फिर रामा अवतार वाले ने कहा कि नहीं नहीं, उसके पहले त्रेता में रामा अवतार हुआ था, तो रामा अवतार पहले हुआ। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे जनवरी के बाद फरवरी आती है, तो जनवरी के बाद फरवरी आती है, किसी व्यक्ति ने कहा नहीं फरवरी के बाद जनवरी आती है, उसकी भी बात आंशिक रूप से सत्य है। क्यों? बोले फरवरी के बाद फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जब खत्म होगा तो फिर जनवरी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, उसकी भी बात सत्य है, आंशिक सत्य है और व्यवहारिक तर्कसंगत भी है। और जो व्यक्ति ने कहा जनवरी के बाद फरवरी, बोले भी सही है, क्योंकि ये चक्र जो है ना, ये काल चक्र, संसार चक्र, ये सब कुछ चक्र है, इसीलिए इसको बार बार शास्त्रों में संसार चक्र कहा जाता है।
चक्र का मतलब गोल, और चक्र में जो हिस्सा नीचे रहता है वो कुछ देर बाद ऊपर चला जाता, ऊपर वाला नीचे आ जाता, फिर वही नीचे वाला ऊपर चला जाता, ऊपर वाला नीचे चला जाता, और सब ऊपर नीचे होते रहते, इसी का नाम चक्र है। अब कोई कहे रात के बाद दिन होता है कि दिन के बाद रात होती है, कैसे सिद्ध करो? सामने वाला कहेगा नहीं रात के बाद दिन होता है, और उसने कहा नहीं नहीं दिन के बाद रात होती है, बात दोनों सत्य है। साइकिल के पहिए में कौन सी तीली पहली है इसका निर्णय कौन करेगा? बोले जहां से गिनो वो पहली, जहां खत्म हो जाए वो अंतिम, सब पहली है सब अंतिम, जहां से आप गिन लो। इसी प्रकार ये काल चक्र अनादिकाल से ऐसे ही चल रहा है, और इस काल चक्र में सारी घटनाएं यथापूर्व मकल्पयत, जैसे पहले हुआ वैसे ही बाद में होता है। इस रहस्य को न जानने वाले आज के इतिहासकार ईसा मसीह का खूंटा गाड़ करके इतिहास लिखने बैठते हैं तो क्या लिखते हैं? बोले ईसा से इतने साल पहले, ईसा से इतने साल बाद, बस इसके आगे उनके पास कोई न पैमाना है न फार्मूला है, उसके आगे की काल गणना भी उनके पास नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या बताएंगे? बोले ये बताएंगे ईसा से 500, ईसा से 700 साल पहले, ईसा से 200 वर्ष बाद, बस उसी में घूमते रहना उनको। लेकिन हमारे यहां ऋषि मुनियों ने इस काल की अनंतता को अनुभव किया और उसी हिसाब से सब कुछ वर्णन किया। सब कुछ अनंत है, सब कुछ अनादि है, और सब यथापूर्व मकल्पयत, पिछले कल्प में जैसे था उसी प्रकार इस कल्प में भी सब कुछ वैसा ही, और ऐसे ही सृष्टि चलती रहती है। तो भगवान के अनेक अवतारों में कौन अवतार पहले कौन बाद में, इसका क्रम केवल समझने के लिए कहा जाता है, क्रम बता रहे हैं। भगवान का पहला अवतार सनकादिकों के लिए, दूसरा अवतार वराह के रूप में, तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में, चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में, जिनको बद्री नारायण भगवान कहते हैं, पांचवा अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में, छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में, सातवां अवतार भगवान का यज्ञ पुरुष के रूप में, आठवां अवतार भगवान का ऋषभदेव के रूप में, नौवां अवतार भगवान का पृथु के रूप में, दसवां अवतार भगवान का मत्स्यावतार, ग्यारहवां अवतार भगवान का कच्छपावतार, बारहवां अवतार भगवान का धन्वंतरी अवतार, तेरहवां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार, और चौदहवां अवतार भगवान का नरसिम्हावतार, और पंद्रहवां अवतार भगवान का वामनावतार, और सोलहवां अवतार श्री परशुराम जी महाराज के रूप में, और सत्रहवां अवतार भगवान का वेद व्यास के रूप में, और अठारहवां अवतार भगवान का अयोध्या में हुआ श्री राम रूप में। नर देवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया, भगवान का अठारहवां अवतार अयोध्या में श्री रघुनंदन के रूप में हुआ। ये भगवान का अठारहवां अवतार अयोध्या में राम रूप में हुआ। नर देवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया, और भगवान का 19वां अवतार श्री बलराम जी के रूप में हुआ। 20वां अवतार भगवान का कृष्ण भगवान के रूप में हुआ मथुरा में, और भगवान का 21वां अवतार बुद्धावतार, बुद्ध भगवान। बुद्ध भगवान भी भगवान नारायण के अवतार में 21वें अवतार हैं, लेकिन बुद्ध भगवान की पूजा किसी भी सनातन धर्मी के घर में नहीं होती। कारण बोले बुद्धा अवतार का प्रयोजन आसुरी प्रकृति के प्राणियों को व्यामोहित करने के लिए हुआ। इन रहस्यों को जानना चाहिए, कथा तो आप जानते ही।
जैसे रामावतार रावण के वध के लिए हुआ, कृष्णावतार बोले कंसादि असुरों के संहार के लिए, और महाभारत युद्ध के माध्यम से पृथ्वी के भार को कम करने के लिए भगवान का अवतार, मत्स्यावतार मनुजी की रक्षा के लिए, कच्छपावतार मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करने के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए भगवान का अवतार हुआ। तो बुद्धावतार भगवान का क्यों हुआ, यह भी प्रश्न है। बुद्ध भगवान क्यों प्रकट हुए? तो वेद व्यास जी कहते हैं बुद्ध भगवान के अवतार का प्रयोजन है, ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम। ततः प्रवृत्ते कलौ, ततः कलौ प्रवृत्ते, कलयुग के प्रारंभ हो जाने पर, कलयुग शुरू हो चुका था, ये अवतार कलयुग में हुआ है और इसी कलयुग में आज से 2500 वर्ष पूर्व, और जब वेद व्यास जी ने भागवत लिखा उस समय बुद्ध भगवान का अवतार नहीं हुआ था, भविष्यवाणी है, क्योंकि भविष्य में होगा इसलिए वेद व्यास जी लिखते हैं ततः कलौ संप्रवृत्ते, कलयुग के प्रारंभ हो जाने पर सम्मोहाय सुरद्विषाम, देवताओं से द्वेष करने वाले जो असुर हैं, सुरद्विषः, देवताओं से द्वेष करने वाले जो असुर और आसुरी प्रकृति के मनुष्य, उनको सम्मोह में डालने के लिए, उनको मोहित करने के लिए, उनको भटकाने के लिए बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेशु भविष्यति, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं वेदव्यास। कीकट देश में बुद्ध भगवान का अवतार होगा, बुद्धो नामना जनसुतः। और ये बुद्ध भगवान क्या करेंगे अवतार लेकर, वेदव्यास जी कहते हैं सम्मोहाय सुरद्विषाम, देवताओं से द्वेष करने वाले, वेद से द्वेष करने वाले जो आसुरी प्रकृति के प्राणी हैं, उनको भगवान मोह में डाल करके भटका देंगे, इसीलिए भगवान बुद्ध का अवतार। और बुद्ध भगवान ने क्या किया, बोले बुद्ध भगवान ने अवतार लेकर के यही उपदेश दिया। बुद्ध के पास लोग जो आए तो बुद्ध भगवान ने उनको यही उपदेश दिया, ये स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं होता है, हाँ स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, जो कुछ है सब यही है। बोले ईश्वर भी नहीं है, आत्मा, बोले आत्मा भी केवल ज्ञान मात्र है, और वह ज्ञान भी किसी वस्तु का न हो, किसी विषय का न हो, शून्य हो जाए, इसी का नाम मुक्ति है। और ये वेद में जो सब लिखा है, ये यज्ञ करने का ये फल, बोले साहब बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं। यही सब उपदेश बुद्ध भगवान ने उन लोगों को दिया। उसका परिणाम क्या हुआ, बोले बुद्ध के उपदेश को सुन करके सब वो जो आसुरी प्रकृति के प्राणी थे, वो सब वेद मार्ग से भटक गए, वैदिक मार्ग छोड़ करके, सनातन मार्ग छोड़ करके शून्यवादी हो गए, और शून्यवादी होकर, वेद विमुख होकर अवैदिक हो गए, नास्तिक हो गए, वेद की निंदा करने लगे। नास्तिको वेद निंदकः, नास्तिक उसे कहते हैं जो वेद की निंदा करता और ईश्वर को नहीं मानता। बुद्ध भगवान ने यह सब इसीलिए किया कि ये दुष्ट प्राणी, ये तमोगुणी प्राणी अगर वैदिक मार्ग में रहेंगे तो वैदिक मार्ग के द्वारा, वेदों के द्वारा शक्ति अर्जित करके ये धर्म का मूलोच्छेद करने लग जाएंगे, इसलिए इनको वैदिक मार्ग से दूर कर दिया जाए। इसीलिए भगवान बुद्ध ने ऐसा उपदेश दिया कि वे आसुरी प्रकृति के जो प्राणी थे, वे मोहित हो गए बुद्ध भगवान के उपदेश में, और भगवान उनको मोहित करके भटका देते। ये भगवान की लीला है।
वेद व्यास जी कहते हैं बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम। ये भगवान का बुद्धावतार, और आगे कलयुग के अंत में भगवान का अवतार होगा कल की अवतार। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, सभी लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे, वर्ण धर्म नष्ट हो जाएगा। वर्ण धर्म माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण जो है, ये चारों वर्ण समाप्त हो जाएंगे। कैसे समाप्त होंगे? बोले अंतर जातीय विवाह, मनमुखी विवाह के कारण सब वर्ण संकर हो जाएंगे। न कोई शुद्ध ब्राह्मण रह जाएगा, न क्षत्रिय रह जाएगा, न शुद्ध वैश्य कोई रहेगा, न शुद्ध शूद्र रहेगा। सबकी वंश परंपराएं उच्छिन्न हो जाएंगी कलयुग के कारण, और वर्ण व्यवस्था के छिन्न भिन्न हो जाने पर वेदों का जो मार्ग है, वेदों में बताए हुए धर्म है, उन धर्मों के पालन का कोई अधिकारी नहीं रह जाएगा। वैदिक कर्मकांड क्रियाकलाप सब विलुप्त प्राय हो जाएंगे, क्योंकि अधिकारी न होने के कारण वे सब कर्म विलुप्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जब घोर कलिकाल आ जाएगा, केवल प्राणी भोगवादी हो जाएगा, मात्र जिह्वा और अपने इंद्रिय का सुख, इन्हीं दो में जीव की प्रवृत्ति रह जाएगी, यही कलयुग का अंतिम रूप होगा। कलयुग का स्वरूप क्या है तो वर्णन करते हैं कि पिशाच वदन क्रूरः कलिश्च कलह प्रियः, अत्यंत भयानक रूप, और जिसको कलह प्रिय है, कलयुग को कलह बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कलयुग का लक्षण क्या है? बोले जहां कलह हो समझ लो वहां कलयुग है। और कलह होता क्यों है? बोले विरोध के कारण। कलि प्रभाव विरोध चहु घोड़ा, कलयुग का ये प्रभाव परस्पर विरोध, विचारों की एकता नहीं रह जाती। बाप बेटे का विरोध, भाई भाई का विरोध, गुरु चेला का विरोध, पति पत्नी का विरोध, पड़ोसी पड़ोसी का विरोध, सब जगह विरोधाभास, यही कलयुग का स्वरूप है। कलि प्रभाव विरोध चहु घोरा। ऐसी स्थिति में जब कलयुग में सब कलह से युक्त हो जाएंगे, कलिश्च कलह प्रियः, सबको कलह अच्छा लगेगा, कलह के अलावा कुछ रह ही नहीं जाए दुनिया। अभी तो थोड़ी शांति, कलह तो आज भी है, लेकिन कलह के बाद थोड़ी शांति रहती है। लेकिन जब केवल कलह ही कलह दिखाई पड़ेगा, और मानव की स्थिति क्या होगी? बोले मानव पशु से भी बदतर हो जाएगा। पशु कम से कम भूख लगने पर भोजन करता है, और वर्ष में समय आने पर वो भोग क्रिया के द्वारा अपनी संतति को आगे बढ़ाता है। उसके अंदर भी एक नियम है, उस नियम के तहत वो चलता है। लेकिन मानव सारे नियमों को तोड़कर स्वतंत्रता के नाम पर उच्छृंखलता को जब वह आश्रय देने लगेगा, ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होगी तो मानव समाज पिशाच बन जाएगा, एक दूसरे के भक्षक बन जाएंगे। आज भी पिशाचों की कमी नहीं है महाराज, इसी धरती पर इतने पिशाच हैं जो यही कहते हैं सांप को मार डालो, हम ही केवल रहें दुनिया में और कोई न रहे। हम आप चिल्लाते रहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, वो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना नहीं, केवल हम सुखिना रहें, बस हम सुखी रहें, बाकी कोई न सुखी रहो। सनातन धर्म तो कहता सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामयाः, लेकिन वो पिशाच, वो राक्षस, ये धरती के यही सब राक्षस है महाराज, सबको मार दो, कोई न रहे, हम केवल रहे, हम जो कहें वही सही। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाएगी, सभी प्राणी पिशाचमय हो जाएंगे, तो उनके जीवन में न जीभ पर नियंत्रण होगा, न अपने जननेन्द्रिय पर नियंत्रण होगा। खाना
और ऐन्द्रिक भोग, काम भोग, मैथुनादि, इसी में केवल जीव की प्रवृत्ति रह जाएगी। सारा सुख केवल दो चीजों में व्यक्ति को दिखाई पड़ने लग जाएगा, खाओ और भोग करो। और वह स्थिति इतनी भयानक होगी कि वो बाएं हाथ से अपनी जीभ को पकड़ेगा, फिर भी जीभ मानेगी नहीं, जीभ कहेगी अभी और कुछ खाएं। जीभ का भी नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, जीभ को हाथ से पकड़ करके रोकना पड़ेगा। और यही स्थिति जननेन्द्रिय के साथ होगी, दाहिने हाथ से अपने जननेन्द्रिय को पकड़कर, बाएं हाथ से अपने जीभ को पकड़कर जब मानव नंगा नृत्य करने लग जाएगा, वो कलयुग का अंतिम काल होगा। पिशाच बदन क्रूर कलिश्च कलह प्रिय वाम हस्ते धृत शिष्णो दक्षे जिह्वा च नृत्यति। बाएं हाथ से अपनी जीभ को पकड़कर वाम हस्ते और बाएं हाथ से शिष्णेन्द्रिय को पकड़कर दक्षे जिह्वा च नृत्यति और दाहिने हाथ से अपनी जीभ को पकड़कर जब वो नंगा नाच करने लगेगा, ये कलयुग का अंतिम रूप हो, घोर कलयुग आ जाए, तब भगवान का अवतार होगा। क्योंकि भगवान का अवतार तब ही होता है जब जब हो ही धर्म कहे हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजामि। तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। और कहां पर होगा? मुरादाबाद जनपद में संभल नाम के ग्राम में, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के कुल में भगवान